साथियों, हमारे यहां कहा गया है, मनस्य कम वचस्य कम कर्मणे कम महात्मा नाम, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही कहते भी हैं और करते भी हैं। यही एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर एक साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर एक दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर एक शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था। वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधोराव जी ने जिस भारतीय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी वो आज भी दिल्ली में DTC के रूप में चल रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर भी उनका उतना ही ध्यान था। उन्होंने उस कालखंड में पानी के लिए, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी। ये जो हरसी डैम है वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है। ये डैम आज भी लोगों के काम आ रहा है। माधोराव जी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूरदृष्टि सीखने योग्य है। एजुकेशन हो, करियर हो, जीवन हो या फिर पॉलिटिक्स, शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। साथियों, साल 2014 में जब देश ने मुझे ये प्रधान सेवक का दायित्व दिया तो मेरे सामने भी दो ऑप्शन थे, या तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या फिर लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाएं। हमने तय किया कि हम 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे अलग अलग टाइम बैंड रखकर इनके लिए काम करेंगे।
आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन दी जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि जीएसटी को लागू करना है, ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की डिमांड कर रही थी, 3 तलाक के खिलाफ कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना। आपने देखा होगा अभी कुछ सप्ताह पहले ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाया गया है, ये काम भी दशकों से पेंडिंग था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। मेरे पास कामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरी रात बीत जाएगी। ये तो कुछ बड़े फैसले मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर हमारी सरकार ये फैसले नहीं लेती तो इसका बोझ किस पर ट्रांसफर होता? अगर हम ये नहीं करते तो कैरी फॉरवर्ड कहाँ होता? आपकी जनरेशन पर होता। तो मैंने आपकी जनरेशन का कुछ बोझ हल्का कर दिया है।